நாராயண 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 நாராயண। बोलो पुत्र नारद, आज बहुत खुश लग रहे हो। नारायण नारायण। कोई विशेष प्रयोजन? कोई विशेष ऐसा प्रयोजन नहीं तात, पर स्वर्ग में रह के मैं थोड़ा ऊब गया हूँ। पृथ्वी भ्रमण की आज्ञा मांगने आपके पास आया हूँ। पृथ्वी भ्रमण की आज्ञा देने में कोई समस्या नहीं? नारायण नारायण। किंतु नारायण नारायण, धरती पर जाके अपने मनोरंजन के लिए कोई झगड़े मत करवा देना, ठीक है? नारायण नारायण, वैसा कुछ नहीं होगा, इसका मैं ध्यान रखूंगा। नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण। पृथ्वी भ्रमण करके बहुत दिन हो गए, पृथ्वी भ्रमण का आनंद कोई और ही होता है। नारायण नारायण। नाना व्यक्ति नाना प्रकृति, हे योगेश्वरा आपकी लीला अगाध है। नारायण 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 नारायण। ये तो तुलजा माता का मंदिर, चलो तुलजा माता का दर्शन लेते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम माते। आइए नारद मुनि, आपका स्वागत है। आज यहाँ कैसे आना हुआ? नारायण नारायण, आपके दर्शन की इच्छा हुई इसलिए आया। आप बैठिए, फलाहार कीजिए, मैं अभी आई। नारायण नारायण। नारायण नारायण। मुनिवर, संपूर्ण विश्व में किसी के पास भी नहीं ऐसे अलंकार मेरे पास हैं, और उन्हें परिधान करने पर विश्व में मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं दिखता। मेरे पास कोई अलंकार नहीं, ये संभव नहीं। नारायण नारायण। विश्व के सब अलंकार आपके पास है, इस भ्रम में मत रहिए माते। ऐसा कौन सा अलंकार है मुनिवर जो मैंने परिधान ना किया हो? ऐसा कौन सा अलंकार है जो मेरे पास नहीं? माते, अगर गेंदन फूल आपके मुकुट में होता तो सभी अलंकारों की शोभा बढ़ जाती। गेंदन फूल? गेंदन फूल मतलब क्या? नारायण नारायण। वो मुझे कहाँ प्राप्त होगा मुनिवर? विश्व का सबसे सुंदर और तेजस्वी ऐसा एक ही फूल है। वो फूल मुझे चाहिए, वो कहाँ मिलेगा मुझे ये बताइए। नारायण नारायण। वो फूल कहाँ मिलेगा इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता माते। वो फूल प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं मुनिवर? नारायण नारायण। है एक उपाय अवश्य है। कौन सा? माते, तुम हस्तिनापुर के धर्मराजा के पास जाओ और गेंदन फूल की मांग करो। पांचों पांडव सत्यवचनी हैं और वचन निभाने वाले हैं, इसलिए वही आपको गेंदन फूल दिला सकते हैं। जो आप कह रहे हैं मैं वही करूंगी मुनिवर। नारायण नारायण। वो गेंदन फूल मैं प्राप्त करूंगी ही,
नारायण 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 नारायण। हे अर्जुन, हस्तिनापुर के सुरक्षा के लिए प्रणाम। प्रणाम माते। आइए माते, आइए। आसन ग्रहण कीजिए। धन्य हो गए माते, हम धन्य हुए। हमारे दरबार को आपका पदस्पर्श हुआ और आपके पदस्पर्श से हमारा दरबार मंगलमय हुआ। हम सारे पांडव आपको प्रणाम करते हैं। बताइए माते, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? युधिष्ठिर, मुझे तुमसे कुछ मांगना है। ये उद्देश्य लेकर मैं आज तुम्हारे दरबार आई हूँ। आज्ञा माते। बोलो माते, आपको क्या चाहिए हमसे? धन संपत्ति, राजवैभव, यहां तक हम पांच पांडव आपकी चरणों में नतमस्तक होके अपने प्राण भी दे सकते हैं। पांडवों के दरबार में मैं आई हूँ वो इसलिए नहीं कि मुझे धन और संपत्ति की कमी है या किसी के प्राण लेने का मेरा कोई मानस नहीं। धर्म, अगर संपत्ति के बारे में कहूं तो संपूर्ण विश्व में किसी के पास भी ना हो इतनी संपत्ति मेरे पास है। पर किंतु क्या माते? पर एक ही चीज मेरे पास ना होने का मुझे बहुत दुख है। माते, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे पास है और आपके पास नहीं? बताओ माते, बताओ। आपके सिवा हमें कुछ भी प्रिय नहीं है। प्रिय अर्जुन, वो वस्तु तुम ही मुझे लाकर दोगे। युधिष्ठिर, वो वस्तु तुम मुझे लाकर दोगे, ऐसा वचन मुझे तुमसे चाहिए। माते, हम पांच पांडव आपको वचन देते हैं, आपने जो मांगा है वो विश्व में जहां कहीं भी हो, चाहे उसके लिए हमें हमारे प्राण भी देने पड़े, हम उसे अवश्य लाएंगे। अब तो बताओ माते, तुम्हें क्या चाहिए? आपका प्रेम और भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। मेरे प्रिय पांडवों, मेरे सारे आभूषणों में सिर्फ एक की कमी है, वो मतलब गेंदन फूल। वो मेरे पास ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हूं और वो गेंदन फूल मुझे तुमसे चाहिए। माते, वो गेंदन फूल लाने में कितनी भी कठिनाइयां आई तो भी उनपे मात करके उसे तुम्हारे चरणों में अर्पण करूंगा। लेकिन माते, वो गेंदन फूल कैसा होता है और कहां मिलेगा? वो तेजस्वी है, सुंदर है, संपूर्ण विश्व में एकमेव है। इसे अधिक जानकारी तो मैं भी नहीं दे सकती। ठीक है माते, हम उसे ढूंढ लेंगे। हम वचन देते हैं, वो फूल हम आपको ला देंगे। नवरात्रि के बाद, शीलांगन के बाद की पूर्णिमा, उस पूर्णिमा को मेरा छबीना होता है और उस समय मैं सारे आभूषण परिधान करती हूँ। पर इस बार मुझे मेरे आभूषणों में गेंदन फूल चाहिए। जैसी आपकी इच्छा माते, पूर्णिमा के रात वो तुम्हारे मुकुट में होगा, लेकिन उसके लिए आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। तथास्तु। अर्जुन, पांडवों की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। वो फूल जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ के लाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। पांडवों की लाज अब तुम्हारे हाथ में है अर्जुन। जैसी आपकी आज्ञा। जब तक वो गेंदन फूल मुझे मिल नहीं जाता तब तक मैं हस्तिनापुर में वापस नहीं आऊंगा, और अगर मैं माता को फूल देने में असफल रहा तो मैं अपना देह त्याग कर दूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं।
सुना रे हतबल पांडव जगे तुझा जगदीशा हरि धाव रे धाव द्वारका दिशा हरि धाव रे धाव द्वारका दिशा हरि धाव रे धाव द्वारका दिशा हरि धाव रे धाव द्वारका दिशा। प्रणाम अग्नि देवते। हे श्रीधर द्वारकाधीश, इस पृथ्वी तल और स्वर्ग में ढूंढकर भी मुझे अब तक गेंदण फूल नहीं मिला। प्रिय बंधु धर्मराज ने मुझे जो कार्य सौंपा था उसमें मैं असफल रहा। अब मैं उनके सामने कैसे जाऊं? और इसलिए तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होकर मैं अपना देह त्याग कर रहा हूं। आज तक आपने ही पांडवों की लाज रखी है और इसके आगे भी आप ही हमारी लाज रखना। प्रणाम। रुक जाओ अर्जुन, रुक जाओ। प्रणाम श्री हरि। अर्जुन, देह त्याग करने जैसा तुम्हारे हाथों क्या हुआ? हे द्वारकाधीश, गेंदण फूल का शोध लेकर भी वो मुझे अब तक कहीं नहीं मिला। इसी कारण देह त्याग के सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अर्जुन, वो फूल कहां मिलेगा और उसके लिए क्या करना होगा, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। शीघ्र बताइए, आपके सिवा अब किसी का आधार नहीं है। आप जैसा कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। अर्जुन, राजवस्त्रों का त्याग करो, चर्मकार के वस्त्र पहनो। पाताल में शेषराज की नगरी है। उस शेषराज ने धारण किए मुकुट में वो गेंदण फूल है। तुम्हें चर्मकार के वस्त्र पहनकर इस कार्य को करना है। यह फूल कहां है वो किसी को मालूम नहीं है, किंतु तुम मेरे प्यारे शिष्य हो इसलिए मैंने तुम्हें बताया। आप धन्य हो श्री हरि। आपकी आज्ञा अनुसार मैं अभी पाताल नगरी जाकर मेरा कार्य पूर्ण करता हूं। प्रणाम श्री हरि। क्या हुआ महाराज? प्रधान जी। महाराज, हमारी इस पाताल नगरी की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कसूर तो नहीं है ना? नहीं महाराज, हमारी पाताल नगरी की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य है। नहीं प्रधान जी, हमारी इस पाताल नगरी में किसी मनुष्य प्राणी ने प्रवेश किया है। क्या कह रहे महाराज? जाओ, पृथ्वी तल से कोई आया है निश्चित, और जो भी कोई आया है उसे ढूंढो और उसे जल्द ही मेरे सामने हाजिर करो। जाओ। जी महाराज। श्री हरि, श्री हरि। चलो, सखा श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मैं पाताल नगरी पहुंच तो गया, लेकिन अब शेष राजा तक कैसे पहुंचूं? चाहे कुछ भी हो जाए, गेंदण फूल प्राप्त करना होगा। अरे कौन हो तुम? अरे, कौन अरे, हो तुम? यहां तुम क्या कर रहे हो? अरे धीरे, ले चलो इसे महाराज के पास। शेष राजा तक पहुंचने का मार्ग तो मिल गया। अरे, चलो चलो इसे अरे, ले अरे, चलते हैं। चलो चलो यहां से। महाराज, आप बिल्कुल सही थे। सच में अपनी पाताल नगरी में पृथ्वी से कोई मनुष्य आया है। पहले उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। लाया है, उसे बाहर ही खड़ा है। बाहर क्या पूजा कर रहे हो उसकी? मेरे सामने हाजिर करो।
लेके आओ। यारे कौन तू और यहां इस पाताल नगरी में कैसे आए? मैं एक गरीब चर्मकार हूं महाराज। हमारे राज्य में सूखा पड़ा है, इसलिए पेट भरने के लिए भ्रमण करते हुए आपके राज्य में आया हूं महाराज। अरे लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। यारे तुझे जूते सीने आते हैं? हाँ महाराज। प्रधान जी। महाराज। हम इसकी परीक्षा लेंगे। परीक्षा? मैं समझा नहीं महाराज। अगर ये परीक्षा में यशस्वी नहीं हुआ तो उसको सूली पर चढ़ा देंगे। ठीक है महाराज, हमारे नगर के सभी फटे पादत्राण इसे सिलवा लेते हैं। और सभी जूते एक ही रात में सिलने चाहिए, नहीं तो सुबह तक तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। जैसी आज्ञा महाराज। इसे लेके जाओ। महाराज महाराज, मेरे भी पादत्राण फटे हैं, इसे सिलवा लूं? मेरे पास नहीं, उसके पास दो। हे गिरिधर, आज तक समय समय पर हर संकट में तुमने मेरा साथ दिया है। मैं धनुर्धर, मुझे धनुर्विद्या और तुम्हारी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं आता, तो फिर इन पादत्राणों को मैं कैसे सीऊंगा? हे श्रीधर, मैं तो अब द्विधावस्था में हूं, ना तो मैं ये सी सकता हूं और तुम्हें ये काम करने के लिए विनती भी नहीं कर सकता। लेकिन अब इस पर आप ही उपाय बताओ। हे श्री हरि, कोई तो उपाय बताओ। स्वामी, अपने प्रिय भक्त के लिए फलाहार किए बिना ही जा रहे हो? रुक्मिणी, मुझे जाना होगा। जब मेरा भक्त संकट में है तो मैं फलाहार कैसे कर सकता हूँ? स्वामी चिंता मत कीजिए, आपके भक्त का संकट मुझे पता है। मैं देखती हूँ क्या करना है। हाँ बेटी उत्पावती। ये क्या है पिताश्री, आप हमेशा कैसे पहचान लेते हो? क्या है बेटा, मैं इस पाताल नगरी का राजा हूँ। मेरी आंखें बंद करने का साहस मेरी इस प्यारी बेटी के सिवा कौन करेगा? लाडली भी और शूर भी। पिताजी क्या हुआ? बेटा, लड़की जब बड़ी हो जाती है ना, माँ बाप को जो चिंता होती है वो माँ बाप बनने पर ही समझती है। नहीं पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगी। नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। बेटा नहीं। अच्छा 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 अच्छा, यानी हमारी इस प्यारी और सासी बेटी को रोना भी आता है? उत्पावती, एक बात याद रखो, लड़की हमेशा पराया धन होती है, एक दिन उसे पराया घर जाना ही होता है। तुम्हारी छह बहनें अपनी अपनी गृहस्थी में खुश है ना? अब तो उन्हें मेरी याद भी नहीं आती।
कल तुम अपने गृहस्थी में खो जाओगी तब मुझे मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे और मैं विवाह नहीं करूंगी। नहीं मतलब नहीं मतलब नहीं। उत्पाती मेरी बात तो सुनो। महाराज क्या हुआ? महाराज कोई प्रधान जी बोलिए। महाराज हम राजकन्या उत्पावती के विवाह के बारे में सोच रहे थे। वैसे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए हैं पर किस राजपुत्र के साथ उसका विवाह करे यही समझ में नहीं आता। और उत्पावती भी विवाह के लिए तैयार नहीं है। महाराज ये तो नसीब की बातें हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इससे नहीं बचे हैं। जो भी जिसके नसीब में है वो तो होगा ही। महाराज इस प्राक्तन से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए हैं, तो हम लोग क्या है? महाराज कर्म अनुसार फल मिलता है, उसके लिए सही समय चाहिए। आप देखना महाराज हमारी राजकुमारी के विवाह के लिए कोई तो राजकुमार आएगा ही। प्रधान जी कहिए महाराज। सिर्फ राजपुत्र नहीं वो शूर चाहिए और साहसी भी। महाराज महाराज क्या हुआ प्रधान जी? महाराज कल का वो चर्मकार भाग गया क्या? भाग नहीं गया वो, उसने चमत्कार कर दिया। चमत्कार? जी महाराज। ऐसा हुआ क्या है? महाराज वो देव पुरुष है, अवतारी पुरुष है। अवतारी? हाँ अवतारी पुरुष। महाराज उसने सब पादत्राण सील दिए और उसने सिले हुए पादत्राण सोने के हो गए हैं। सोने का? हाँ महाराज, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था इसलिए मैंने अपने आप को चुटकी काटी। उसे पहचानने में हमने भूल तो नहीं की ना प्रधान जी? महाराज जाओ उस चर्मकार को सम्मान से दरबार में लेके आओ। जी महाराज। जा ऐसे अवतारी पुरुष के दर्शन से हम धन्य हो गए। ऐसे अवतारी पुरुष के सत्कार के निमित्त से हम हमारी प्यारी बेटी उत्पावती शादी की शर्त हम सुनाते हैं। जो कोई शूरवीर राजपुत्र जिंदा बाघ को पकड़ लाएगा उसी के साथ मेरी राजकन्या उत्पावती विवाह करेगी। प्रधान जी। महाराज आसपास के देशों में ऐलान कर दो। जी महाराज। महाराज कहिए। अगर मैं शेर को जीवित पकड़ के लाऊं तो? अवश्य। सोच लीजिए महाराज, अगर मैं ये शर्त जीत गया तो राजकन्या का विवाह मुझसे निश्चित? निश्चित है। लेकिन आप राजकुल के और मैं एक चौरे की जात नहीं होती, कर्तृत्व को धर्म नहीं होता। मैंने जबान दी यानी दी। ठीक है तो फिर मैं इस चुनौती का स्वीकार करता हूं। Oh, my God.
हे शूरवीर, मैं तुम्हें शरण आ गया हूं, मुझे जीवन दान दो। ठीक है, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम जो भी बोलोगे मुझे वो मंजूर है। तुम्हें मेरे साथ राजमहल आना होगा। सिर्फ मैं ही क्या, जंगल के बाकी सारे शेर भी तुम राजमहल ले जा सकते हो। वो बाघ मुझे दे दो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। ये शेर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, उसे जीवित पकड़ने की प्रतिज्ञा मैंने की है। प्रतिज्ञा है? अरे जूते सीना छोड़ के ये क्या कर रहे हो? राजकन्या को वरने की इच्छा रखते हो? ये एक शेर ही क्या, जंगल के सारे शेर तुम राजमहल ले जाओ और राजकन्या से विवाह करो। प्रधान जी। जी महाराज। आज दरबार में कोई कैसे नहीं आया? इसका कारण शेर। बाघ? जी महाराज, हमारे राज्य के सब लोग शेर के डर से दरवाजे बंद करके घर में बैठे हैं। इतने सारे बाघ हमारे नगरी में कैसे घूम रहे हैं? स्वयंवर में आए हर एक राजकुमार ने अपने साथ एक शेर लाया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब शेरों को तहखाने में बंद कर दिया है। हर एक राजपुत्र ने एक एक बाघ लाया है? जी महाराज। लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है पिताश्री? प्रधान जी, प्रधान जी। क्या महाराज? अरे ये क्या चल रहा है? क्या पता क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ रहा। उस सेवक ने प्रधान जी से कुछ कहा, अब वो जाके महाराज से कुछ कह रहे हैं, मतलब ये सब क्या हो रहा है? शांत शांत। यहां उपस्थित सब वीरों का दिल से अभिनंदन। आप सब वीरों में एक शूरवीर ऐसा है जिसने केवल बाघ ही नहीं तो उसका कान भी काट कर साथ लाया है। ओ शूरवीर कौन है, वो सामने आ जाए। वो मैं हूं महाराज। वाह, अभिनंदन, आप अवतरी पुरुष है ही, उसके साथ ही आप एक महान योद्धा भी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने जो आपको वचन दिया है उसके अनुसार हमारी राजकन्या का विवाह आपसे करवाएंगे, पर उससे पहले हमें एक बताइए, आपने किया हुआ ये चमत्कार, आपने दिखाया हुआ महान शौर्य, इससे पता चलता है कि निश्चित आप चर्मकार नहीं हो। कृपया आप अपना गोत्र, कुल, इसका परिचय हमें दो। जिन पर मेरी बहुत भक्ति और श्रद्धा है, ऐसे सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं, श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी। श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी, मतलब आप है कौन? हस्तिनापुर के पंडू राजा का सुपुत्र, पांच पांडवों में से एक अर्जुन। जी, ये अर्जुन गया था गेंदन फूल लाने के लिए। ये क्या किया उसने? ऐसा क्या किया है उसने? अरे विवाह कर रहा है वो, देखो ये निमंत्रण पत्र। विवाह? आखिर आपका ही शिष्य है वो। अब निमंत्रण पत्र भेजा है तो जाना तो पड़ेगा।
नारायण नारायण। देखना अब सारे विश्व में आग लग जाएगी। नारायण नारायण। प्रणाम तात। पुत्र नारद। तात क्या आप जानते? अब और क्या विशेष, पृथ्वी पर जाकर कोई नई समस्या तो खड़ी नहीं की ना? नारायण नारायण। मैंने नहीं। तो किसने? वो अर्जुन, वो धनुर्धर अर्जुन विवाह बद्ध हो रहा है, उसका ही निमंत्रण देने आया हूँ। चलिए चलिए विवाह समारंभ के लिए चलिए। नारायण नारायण नारायण। आपने निमंत्रण लाया है तो विवाह समारंभ में आना ही होगा। नारायण नारायण। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सब परिणाम तुम्हारे पृथ्वी भ्रमण का ही है। नारायण 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 नारायण। नारद मुनि, पृथ्वी भ्रमण करके आ गए आप? नारायण नारायण। पृथ्वी भ्रमण करके आए तो कुछ मीठा समाचार तो होगा ही। नारायण नारायण। हे जगत पिता, आप सर्वज्ञानी हो, आप सब कुछ जानते हैं। अर्थात आप अर्जुन के विवाह का न्योता लेके आए हैं, है ना? नारायण नारायण। हे जगत पिता, आपकी लीला अगाध है। लेकिन आपकी भी तो लीला हमें ज्ञात हुई है मुनिवर। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। भोलेनाथ ध्यान कर रहे हैं, जाना ही उचित होगा, नहीं तो अगर उन्होंने तीसरी आंख खोल दी तो फिर। नारायण नारायण। नारद। नारायण नारायण। आज बहुत दिनों बाद कैलाश पर्वत पे आना हुआ। हे भोलेनाथ, पृथ्वी भ्रमण के लिए गया था पर आज खास निमंत्रण देने आया हूँ। निमंत्रण? हाँ भोलेनाथ। कोई खास बात? नारायण नारायण। अब मेरा क्या विशेष होगा भोलेनाथ? पंडू पुत्र अर्जुन वो विवाह कर रहा है पाताल नगरी की राजकन्या से, उसी का निमंत्रण देने आया हूँ, ये विशेष। नारायण नारायण। मुनिवर नारद पृथ्वी भ्रमण करके आए हैं, यानी पृथ्वी पर कुछ अनुचित होने वाला है। नारायण नारायण। भीम, देवी का वचन निभाने के लिए अर्जुन गया तो है, लेकिन वो ठीक तो होगा ना? नारायण नारायण। मुनिवर आसन ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण। धर्मराजा, उसका सब कुशल ही नहीं, मंगल ही मंगल है। नारायण नारायण। मुनिवर ऐसे पहेलियां मत बुझाइए। नारायण नारायण। मैं भी नहीं जानता कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन अर्जुन तो देवी का वचन पूरा करने के लिए गेंदन फूल लाने गया है, यही ना? नारायण नारायण। पर पाताल नगरी के शेष राजा के कन्या से उसका विवाह तय हुआ है। क्या? नारायण नारायण। तो सह कुटुंब सह परिवार निश्चित आना आप भी। नारायण नारायण। प्रधान जी। महाराज। अर्जुन जैसा दामाद मिला, धन्य हो गया। पर विवाह समारंभ में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? नहीं महाराज, सब कुछ ठीक ठाक है, मैंने खुद तैयारी की है, सब कुछ अपनी जगह सही है। उत्तम, सभी मेहमानों की तरफ आप खुद ध्यान दीजिएगा। जी महाराज। अच्छा, नगर की क्या हाल हवाल है? महाराज,
नगर के सब रास्तों पर लोगों की भीड़ लगी है, चलने की भी जगह नहीं बची है। महाराज महाराज महाराज, क्या हुआ रे? अशुभ समाचार है महाराज। क्या हुआ बताओगे या नहीं? गणेश जी के मूषक ने अन्य सारे मूषकों के साथ राज्य में उधम मचाया है, खेतों को बर्बाद कर दिया है। अब क्या करें महाराज? प्रत्यक्ष श्री कृष्ण, आइए आइए मुरलीधर, पाताल नगरी में आपका स्वागत है, आइए। राजेश्वर, आने में थोड़ी देर हो गई। प्रधान जी, हमारे भोजन की व्यवस्था हुई है ना? क्या है कि बड़ी भूख लगी है, पहले भोजन करते हैं और फिर विवाह कार्य प्रारंभ करते हैं। अरे आप इतने चिंतित क्यों? चिंता मत करो, कार्य सफल करने के लिए रिद्धि सिद्धि समर्थ है, आपके भोजन की व्यवस्था वही करेंगी। श्री कृष्ण आइए आइए आइए। सभी देव देवता आएंगे, उनकी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। जी महाराज। आइए ब्रह्मदेव, आइए विष्णुदेव, आइए महादेव, पाताल नगरी में आपका स्वागत है, आइए। आप खुद सभी जगह जाकर ध्यान दीजिए, कोई नाराज नहीं होना चाहिए। आइए आइए। अब इसका विवाह हो गया तो क्या हुआ? तो फिर अब यह पत्नी के अधीन हो जाएगा। बेचारा। आप सब पुरुष बेचारे ही होते हो, है ना? लेकिन ये यहाँ आया था गेंदन फूल के लिए। देवी को दिया हुआ वचन फूल के राजकन्या उत्पावती के वचन में अटक रहा है। Thank you.
अरे गेंदन फूल भूल गए, शेषराज के मस्तक पर जो फूल है वही गेंदन फूल। उठो अर्जुन, उस फूल को प्राप्त करो, उठो। प्रधान जी। जी महाराज। सेनापति, जाओ उस अर्जुन को पकड़ो और मार दो। लेकिन अर्जुन तो आपके जमाई है। चुप बैठो दामाद, क्या बहुत बड़ा चोर है वो, उसे दंड मिलना चाहिए। जाओ पकड़ो उसे, ये मार दो। अरे जाओ। पिताजी ये क्या बोल रहे हैं आप? अर्जुन मेरे पति है, आपके आपकी लाडली बेटी के पति है। पति? विश्वासघाती है वो। अरे खुद का क्षत्रिय धर्म भूलकर अत्यंत विश्वासघात कर इस नगर में प्रवेश किया है उसने चोर जैसा। पति, बड़े विश्वास से तुम्हारा हाथ मैंने उसके हाथ में दिया था, पर एक गेंदन फूल के लिए उस अर्जुन ने मेरा विश्वासघात किया है। लगता है पुत्र नारद ने भयंकर खेल खेला है। उसे दंड होना चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। शेषराज, ये सब नियति का खेल है। अरे गेंदन फूल का जाना ये नियति ही है। अब जमाई को गेंदन फूल उपहार में दे दिया, ऐसा समझकर अर्जुन का स्वीकार करना। अर्जुन जैसा योद्धा तुम्हारा जमाई बना, इसका अभिमान रखो। हाँ शेषराज, ये हट छोड़ दो, अर्जुन को जमाई मान लो। देखा देखा, प्रत्यक्ष परमेश्वर भी अर्जुन के साथ है। पिताजी मुझे अभी पति लाभ हुआ है, और आप मृत्युदंड। नहीं बेटा, रो मत, मत रो। तेरा रोना मुझे व्यथित करता है, मेरे हृदय पर आघात करता है। मत रो। तुम्हें दुख की खाई में धकेल कर मैं गेंदन फूल का स्वीकार कभी नहीं करूंगा। जाओ बेटे, सुखी रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं अर्जुन का, मेरे दामाद। चिरंजीवी भव। नाथ, छोड़ के मत जाइए नाथ, मुझे पृथ्वी पर ले जाइए, चाहे तो मुझे अपनी दासी बनाकर ले जाओ, मैं आपकी सेवा करूंगी।
पर मुझे मेरा ससुराल दिखाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। उत्पावती, मैं श्रेष्ठ 5 पांडवों में से एक धनुर्धर अर्जुन, मेरी अभिलाषा मत रखो। मैं जब चर्मकार बनके यहां आया तब तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं चर्मकार बनके आया सिर्फ गेंदन फूल के लिए। तुमसे विवाह किया वो भी सिर्फ इस गेंदन फूल के लिए। नाथ, उत्पावती, मैं तुम्हारा स्वीकार अवश्य करूंगा, लेकिन चर्मकार कुल में पुनर्जन्म लेने के बाद। नाथ, परम पवित्र अग्नि के साक्षी में मैंने आपसे विवाह किया है नाथ, उसे मत तोड़िए, मेरा स्वीकार करो नाथ, मेरा स्वीकार करो नाथ। हे भ्राता युधिष्ठिर, देवी मां को दिए हुए वचन की पूर्ति हो गई है। गेंदन फूल लेकर मैं निकल रहा हूं। नारायण नारायण। तो ये हुई गेंदन फूल की कथा। देवी को गेंदन फूल देने के पश्चात अर्जुन ने राजकन्या उत्पावती के साथ पाताल नगरी में 8 दिन सहवास किया। उसके पश्चात पूर्णिमा के छबीने में देवी गेंदन फूल से आभूषित होकर शामिल हुई। आदि शक्ति तुलजा भवानी माता, उसकी शक्ति महान, उसके नाम से संकट निवारण होता है। यही तुलजा भवानी माता धर्मा देवी के नाम से प्रकट हुई। नारायण नारायण।